Vai, lê, 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 lê. साला गियर वाला पीछे रह गया भाई। देखो ये देखिए डीएवी सेक्टर 10, ये वाली जो शॉप है ना, इधर आता था मैं तो बैठ के शाम को बहुत ही सुकून मिलता है। कमलेश आना चाहिए इधर को भी कभी, आना चाहिए अगले जो 1 किलोमीटर में ना, पसीना चाहिए मुझे। ठीक है, ये दोनों गीली हो जानी चाहिए। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पे पहुँच गए। ये पहले तो घर देखो, 16 सेक्टर के घर, वाओ। और ये वही वाली लोकेशन है रोज़ गार्डन के सामने जो पीछे, वाह इसकी भीड़ नहीं ख़त्म होती भाई कभी भी, मस्त है, एक नंबर। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज हम दोबारा जा रहे हैं साइकिलिंग ट्रिप पे। कहाँ चल रहे हैं सर? वही सुखना लेक को जाएंगे अपना, धीरे धीरे एक रूट मार के अलग रूट चेंज करेंगे आज। और वो वेदर भी अच्छा है काफ़ी काफ़ी अच्छा, तो संडे का ये पूरी साइकिलिंग करके रिटर्न होते हैं। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, पिछली बार थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया था हमारा बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए। और जो सुखना जाते हैं तो अलग अलग रास्ते हैं जिनका पता नहीं हमें कहाँ कहाँ जाते हैं, तो आज वो वाले एक्सप्लोर करेंगे हम। तो लेट्स गो, चलते हैं। कमलेश भाई किधर निकलना है फिर? अच्छा यार, लेकिन वो साइकिल में हवा वगैरह करानी थी, उधर किस साइड चलें फिर? देखते हैं आगे को कैसे मिलता है, अगर संडे या हमारा बंद भी है। हाँ हाँ, तो देखते हैं आगे का कौन सा रूट लेना पड़ता है। देखो पूरा सुनसान रोड है, संडे को साइकिल चलाने के लिए ही है। अपनी साइकिल रूट है, साइकिल ट्रैक अलग से बने हुए हैं हमारे सारे, और रूट भी खाली खाली रहता है। हाँ, तो प्रॉपर रेगुलर अपनी साइकिल के रूल फॉलो करते हुए अपने ट्रैक पर चलते हैं, रात का ट्रैक पूरा करते हैं संडे का। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह उठ लिया जाए अच्छे से, सोने से अच्छा है कि सुबह एक वॉक हो जाए। वैसे सोए रहते हैं नहीं तो दिन में, हाँ हाँ हाँ, ही करना है सोके। सही बात है, अपना एक रूट करते हैं, अपना हेल्थ का भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट रहता है डेली अगर हम। सही बात है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो। सही बात, आ जाओ लेफ्ट मुड़ना है भाई, निकलते हैं जल्दी जल्दी। पहले तो एक हवा के लिए देखना मैंने कहाँ मिले पाएगा, तो इसमें ठीक टायर प्रेशर करके फिर चलते, नहीं तो मेरे को तो आदत है कम में भी खींच लेते हैं अपन तक। और ये ऊपर मौसम देखो बड़ा मस्त हो रखा है। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पे पहुँच गए। ये पहले तो घर देखो, 16 सेक्टर के घर, वाओ। और ये वही वाली लोकेशन है रोज़ गार्डन के सामने जो पिछली बार हम आए थे, वाह वाह वाह। स्लोप पे है तो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा। और एक और फ्रेंड है हमारे साइकिलिंग वाले। और ये देखिए पराठे वाले के पास भीड़ लगी हुई है, वाह इसकी भीड़ नहीं ख़त्म होती भाई कभी भी, मस्त है, एक नंबर। तेरा मन तो नहीं कर रहा पराठे खाने का? अच्छे पराठे वाला है, आ सकते हैं कभी। हाँ, संडे का प्रोग्राम करें, अगले संडे का रखते हैं। तो भाई लोकेशन नंबर 2 पे पहुंचने वाले हैं। ये लोकेशन पे तू पहले नहीं आया, ये कौन सा डीएवी कॉलेज सेक्टर 10, तो बिल्कुल सामने डीएवी कॉलेज आएगा। भैया को भी बिगाड़ दे रहे हैं हम, गेड़ियाँ मरवा रहे हैं। हाँ ये देखो भाई, यहाँ पे क्रिकेट मैच चला हुआ डीएवी कॉलेज। चलो हम तो ऐसे गेड़ियाँ ही मार लेते हैं। तो मैं पहले जब इधर 11 सेक्टर में रहता होता तो तब मैं आता होता था इधर चाय पीने, तो शाम के टाइम में ना बड़ी शांति ही लगती है ये जगह। दिन में तो खैर बहुत बच्चे आ जाते हैं यहाँ पे। ये देखिए डीएवी सेक्टर 10, ये वाली जो शॉप है ना, इधर आता था मैं तो बैठ के शाम को बहुत ही सुकून मिलता है। कमलेश आना चाहिए इधर को भी कभी। हाँ हाँ हाँ, नहीं चाय चाय मिलते हैं छुट्टा, क्योंकि कॉलेज है ना भाई, कॉलेज में ऐसी चीज़ें अलाउड नहीं होती बच्चों के लिए। हाँ ये तो है। और ये देखिए साथ में टेनिस का कोर्ट है, एंड इसके पीछे है जो गेड़ी रूट है वो है, तो वो भी दिखा देंगे आपको। तू गया गेड़ी रूट पे? हाँ, गेड़ी रूट पे तो गए, पहले गए। हाँ। और यह ये इस तरह की बम्प्स ना, हमारा घर बन रहा है नया, तो जल्दी शिफ्ट होने वाले हैं इसमें हम। तो यार कमलेश भैया को भूख प्यास लग गई, अभी तो स्टार्ट ही किया, इतनी जल्दी प्यास लग गई तुझे? थक गया। तो अभी हमने पानी ले लिया, माइक पता नहीं चल रहा है नहीं चल रहा है, कमलेश की आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी। एंड हम डॉक्टर दिनेश से ही पूछ सकते हैं अगर वो हमारे साथ आना चाहे तो। सोया होगा, सोया होगा दिनेश, सोया होगा।
कॉल करें उसको, पूछ सकते हैं, चलो करके पूछते अगर आता होगा तो, क्योंकि नहीं, नहीं थक जाएगा इतनी लंबी दूर में। हाँ थक जाएगा, ये भी बात है। चलो लेट्स गो कमलेश भाई, डांस कर रहे हैं, आगे निकल जाएगा ऐसे तो मुझे भगवानी पड़ेगी भाई। ले ले ले, साला गियर वाला पीछे रह गया भाई, देखो अब भी मौका है, जल्दी आ जा बे। टन टन भाई, फुल स्पीड में भगा रहे हैं, गिर गुर जाऊं तो देख लेना भाई। कमलेश भाई तो बहुत पीछे रह गया, मुझे साथ चढ़ गया, पर यार मेरे को तो मज़ा नहीं आता जब तक पसीने नहीं आ जाते ना। अभी तक तो मेरा कोई भी, मैं नहीं मानता कि मैंने कुछ भी किया है, क्योंकि पसीना आना बड़ा ज़रूरी है। चलो दिख रहा है भाई, दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखो बेचारा पीएचडी का तोड़ा हुआ यार, और दिल तो पता नहीं इसके कितने बार टूटे। एनीवे हाँ भाई, इतना टाइम कैसे लग गया? थक गया यार, थक गया ना, लंबा रूट था। कोई नहीं, पीएचडी का तोड़ा हुआ है, हो जाएगा। स्ट्रेस हुई तो करें, स्ट्रेस बर्न कर रहे हैं अभी सर, स्ट्रेस बर्न कर रहे हैं, स्ट्रेस बर्न कर रहे हैं। पसीना आना चाहिए अगले जो एक किलोमीटर में ना, पसीना चाहिए मुझे, ठीक है, ये दोनों गीली हो जानी चाहिए। लेट्स गो गाइस। अभी एक ना, अभी एक छोटी सी चीज़ देखने को मिली थी, एक आंटी थी उसने सिर पे लक्कड़ रखे हुए थे, और ये देखो इतना सा ही तो साइकिलिंग ट्रैक है छोटा सा, तो बंदी बिल्कुल साइड में हटके खड़ी होगी। तो मुझे ये फील हुआ कि जो गरीब लोग हैं ना, जो गरीबी है उसमें अभी भी शालीनता है, शांति है, क्यों कमलेश? जो दुनिया चलाने की समझ होनी चाहिए ना, वो सारी उनमें है, और जो हम जितने थोड़े से ऊपर बढ़ते चले जाते हैं ना, तो अपनी रूट्स भूलते चले जाते हैं, और ऐसे रूड हो जाते हैं, किसी को भी गाली गलौज कुछ भी करने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है इंसान सबसे ज़्यादा कामयाब मेरी नज़र में वही इंसान है जो डाउन टू अर्थ है, और जो दूसरों को समझता है ना, कि एक पोलाइटनेस के साथ चलता है दुनिया में। तो उससे बड़ा इंसान मैं किसी को मानता नहीं हूँ। तो भाई कमलेश, दो मिस्ट्री, एक तो ये रोड है, ठीक है, और एक इससे जो आगे वाला रोड है, तो तू कौन से वाले पे जाना चाहेगा? किसी पे गया नहीं है ना पहले तू? इस वाले पे तो हम गए नहीं है, है ना, कभी भी नहीं गए हैं। हाँ इस वाले रूट पे गए नहीं है। हाँ तो अब ये वाला रूट आज ट्राई करते हैं कि रूट कहाँ जाता है, पहले ये एक्सप्लोर करते हैं ना, ये रूट कहाँ जाता है, देखते हैं ये रूट आज कहाँ जाता है, नया रूट ट्राई करते हैं। अभी तो काफ़ी टाइम है हमारे पास, कितना बजे अभी? काफ़ी टाइम है अभी, तो 12:30 हो रहा होगा, तो आज का दिन तो पूरा ही हम, हाँ तो आज का दिन हम पूरा ही ट्रैवल करेंगे, देखेंगे नए नए रूट देखेंगे चंडीगढ़ के। हाँ तो आज का दिन जितना भी स्ट्रेस है वो बर्न करना है हमने, साइकिल चला के सारा स्ट्रेस बर्न कर देना है। नहीं अगले संडे के लिए भी रखेंगे ना, इस सैटरडे जो आएगा स्ट्रेस, नहीं नहीं इस सैटरडे जो अगली वीक में जो स्ट्रेस आएगा वो हम अगले संडे को स्ट्रेस को बंद करेंगे। चलो आज वाला कर लेते हैं। हाँ पहले आज का कंप्लीट करते हैं। चलो लेट्स गो। तो भाई चल पड़े हैं इस नए वाले रूट पे, लेट्स सी कहाँ जाता है। एंड आप व्यूवर्स देख रहे हो तो बताना यार, ये चंडीगढ़ में ये कहाँ जाता है रोड? वैसे तो मुझे लगता है नयागांव साइड जाता होगा। मस्त ढलान है यार यहाँ पे, स्लोप, तो इधर साइकिलिंग ट्रैक नहीं है, थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, बट फिर भी 100 मीटर तक तो दिखा ही देता हूँ आपको। कमले साइड पे चलना भाई, इधर बिल्कुल साइड पे चलना है, क्योंकि सेफ्टी ज़रूर होनी चाहिए किसी भी चीज़ में। आप एडवेंचर कर रहे हो ठीक है, लेकिन वापस घर लौटना होता है, एक तो इनसे बड़ा डर लगता है मुझे, और ये खड्डे भी आ जाते हैं, काफ़ी सुनसान रूट है ना। हाँ सुनसान है, सही बात है, ठीक है, हाँ मस्त है। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं जो भांग दतूरा को पसंद करते हैं, चर्सी दोस्त है, तो ये देखो भांग ही भांग है यहाँ पे, आप आ सकते हैं यहाँ से ले जा सकते हैं। तो नया लोकेशन खोज जाए जहाँ पे आपके लिए बहुत ही सुंदर माल मिलेगा,
भाई ये रोड तो बहुत लंबा जा रहा है, समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है। थोड़ी सी आगे चलते हैं भाई, इस ट्रैक पे हालत ख़राब होगी। कमलेश भाई भी थक गए थे, गन्ने का जूस पीने आए हैं। कैसा लगा इस वाले ट्रैक से? ये सुखना से लगा हुआ ट्रैक है ना सारा। अब सुखना को जब आएंगे तो सुखना एक और मुड़ेगा सुखना। हाँ, तो सुखना से पहले अगर आप लेफ्ट लेंगे तो ये आपको रूट मिलेगा। आई थिंक ये बर्ड पार्क है क्या? यहाँ पर बर्ड पार्क इससे आगे है, इस बर्ड पार्क इससे आगे। और जो ये है सारा ये सुखना से पहले ये लेक सारा रूट पड़ता है। काफ़ी ट्रैफिक है इस वाले रूट पे ना, बट चंडीगढ़ वाला ट्रैक ज़्यादा बेटर है इससे। हाँ, सेफ्टी ज़्यादा नहीं है, कोई साइकिल ट्रैक भी नहीं है यहाँ पर अपने। तो अब हम वापस अपने साइकिल ट्रैक पर चलेंगे चंडीगढ़ की ओर। तो फिर सुखना लेक होते हुए फिर हम वापस अपना पीजीआई हॉस्टल जाएंगे। हाँ, पहले सेक्टर 15 में पहले रूम चलते हैं, फिर वहाँ से अपन अपना हॉस्टल चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम गन्ने का जूस, हम ताज़ा हम गन्ने का जूस ले रहे हैं यहाँ पर। तो जूस पी के निकलते हैं। हाँ, बॉडी बहुत डिहाइड्रेट हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा हाइड्रेशन का रखें अपने साथ, पानी की बॉटल। और जहाँ पर गन्ने का अगर जूस मिल सके तो गन्ने का जूस अपन लेंगे। तो आज का टूर हमारा कितना किलोमीटर हो जाएगा? आई थिंक 15 किलोमीटर से ऊपर हो गया होगा। 15 तो हो गया है ना, तो 15 हो जाएगा। तो टोटल आज का 30 किलोमीटर पूरा चंडीगढ़ हो गया, बाकी सुखना लेक से लगा हुआ ये वाला अभी हमने कवर किया है आज। तो अगले संडे को हम देखते हैं अगला साइकिल ट्रैक लेते हुए हम मे बी कसौली नहीं, ऊपर डैम पड़ता है, मोड़ नहीं पड़ता है, या जो न्यू चंडीगढ़ की ओर जो अब एक डैम पड़ता है आपको, वहाँ जा सकते हैं। तो मॉर्निंग हम 8:30 बजे निकल जाएंगे नाश्ता करते हुए, और पूरा 9:30-11:30 तक हम अपना चंडीगढ़ का पूरा वाला कवर करके वापस हम चंडीगढ़ लौट जाएंगे। तो भाई ये वाला रास्ता जा रहा है बर्ड पार्क की तरफ है ना, सुखना लेक से पहले। हाँ, पहला ये देखो ऐसे लगे हुए हैं बर्ड पार्क के साइन बोर्ड्स। ये वाला कुछ ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को कमलेश, है ना? हाँ, ज़्यादा पेड़ है काफ़ी। तो भाई पहुँच गए हैं सुखना लेक। मौसम देख आज भी देखो कितना प्यारा है, इतना प्यारा मौसम, मज़ा आ गया कमलेश मौसम देख के। वैसे थोड़ा का एक अच्छा फायदा है कि आप अगर साइकिलिंग से निकल रहे हैं तो आपने प्रॉपर साइकिल ट्रैक है हमारे यहाँ पर। और अब चंडीगढ़ में आप कहीं भी निकले साइकिल लेके, स्मार्ट साइकिल भी यहाँ पर एक आप स्मार्ट साइकिल ले सकते हैं। यहाँ पर स्कैनर को आपको ये बार कोड को स्कैन करके आपने जो भी प्राइस है वो पे करके स्मार्ट साइकिल लेके आप चंडीगढ़ के सारे साइकिल ट्रैक को कवर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, अगर आपने सुखना लेक घूमना है तो हमारे पास अपने यहाँ पर साइकिल स्टैंड है। तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सुखना के फ्रंट साइड में लेक के आप देखेंगे, फ्रंट साइड है दो चंडीगढ़ के फ्रंट साइड में लेक के, तो यहाँ पर आपके साइकिल स्टैंड है पूरे। हाँ, तो आप यहाँ पर अपनी साइकिल को, हाँ तो यहाँ पर साइकिल में अपनी साइकिल पार्क करके आप पूरा एक गेड़ा मार सकते हैं अपने सुखना लेक का। ये 2 से 3 किलोमीटर से ऊपर से ज़्यादा का ट्रैक है, तो आप ये पूरा कवर कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमने भी अपनी साइकिल यहाँ पर लगा दी है, तो अब हम एक सुखना का पूरा लास्ट सेंटर कोशिश करेंगे, ये एक वॉक करके आते हैं, फिर हम अपने रिटर्न होंगे सेक्टर 15, फिर देखते हैं हम चंडीगढ़ अपने हॉस्टल में निकलेंगे। हाँ, आज का वेदर भी काफ़ी अच्छा है, बादल लगे हुए पूरे, तो आज का ट्रैक काफ़ी अच्छा रहा। तो हाँ, आगे देखते हैं क्या क्या है। तो भाई लोग बैठ गए हैं लेक पे, आराम से एक बेंच मिल गई थी खाली, कमलेश भैया और हम कर रहे हैं ज़िंदगी के बारे में वार्तालाप। बताइए दो शब्द मौसम और इसके बारे में। चंडीगढ़ का वेदर तो आज काफ़ी वेदर काफ़ी अच्छा है यार। तो अगर क्या कैसा का वेदर देखो काफ़ी अच्छा है, बादल छाए हुए हैं, तो आज का साइकिल ट्रैक भी काफ़ी अच्छा रहा। तो अभी हम लेक साइड हैं, आप यहाँ का सीन देख सकते हो, ये 3 से 4 किलोमीटर का पूरा एक ट्रैक है। तो मॉर्निंग में आके आप अपना रनिंग कर सकते हो, और
भाई शायद गाइड का फोन आ गया। यही होता है, इतनी मोटिवेशन दे सकते हैं हम पीएचडी वाले, जैसे ही हमें कुछ ऐसा काम वाम या इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है तो बिजी हो जाता है। तो देख कितनी अच्छी बात, बेचारे के बीच में बंद होगी। मैं बोलने ही वाला था कि गाइड का फोन आ गया क्या। यानी भाई चलता है यार, ठीक बात है। तो ये देखिए नज़ारे, मैं दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल जाके लेक फ्रंट पे पूरा लेक का व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए भीड़ कम आज उतनी नहीं है, दूसरी साइड देखिए यहाँ भी कम है। एंड लेक का नज़ारा दिखा देता हूँ। तो ये देखिए बीच में ये जो आप देख रहे हो तो ये एक म्यूज़ियम है, और लेक का पानी का कलर देखिए लास्ट टाइम से कुछ बेटर है, बट फिर भी यूजुअली कलर थोड़ा सा पानी का क्लियर होता है। एंड ये देखिए पीछे आप क्लाउड्स कितने सुंदर लग रहे हैं यार, है ना। मौसम काफ़ी अच्छा है तो आज वर्थ लग रहा है मेरे को यहाँ पे आना। दिस इज सो ब्यूटीफुल। या तो मेरे पास आज ड्रोन होना चाहिए था, ड्रोन से शूट करता, मज़ा आता। और ये देखिए हमारे कमलेश भैया लग गए हैं पीएचडी का डिस्कशन करने। तो ऐसी ही है भाई ज़िंदगी, तो इसमें कुछ पल निकाल लिया करो अपनों से मिलने के लिए, ठीक है। नहीं तो एक दिन पटाखा बज जाना है एंड फिर सब यादें ही रह जानी है। तो आया करो, एंड मैं तो मेरे जो ब्रदर्स हैं उनसे मैं बोलता हूँ कि यार मिलने आ जाया करो मेरे से यहाँ पे, क्योंकि हम तो आ नहीं सकते, ऐसे बंधे हुए हैं यहाँ पे जेल में। तो आप लोग आ जाया करो यहाँ पे, थोड़े दिन घूमते हैं, इतना सुंदर शहर है तो मेमोरीज़ बनाते हैं यहाँ पे। तो इसलिए ये देखिए भैया जी यहीं पे पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपनों से मिलते रहा करो, अपनों से ग्रजेज ना रखा करो, और दुनिया में ना प्यार की बहुत कमी है, तो जस्ट स्प्रेड द लव। जो भी अपने खास लोग हैं, तो आजकल क्या होता है कि रिलेशनशिप में भी लगा लो, रिश्तों में भी लगा लो, तो एक कड़वाहट भरी हुई है, तो उन सब कड़वाहटों को मिटा के एक प्यार का रिश्ता बनाना चाहिए। माफ़ करना आना चाहिए इंसान को, क्योंकि शुरू करने से ही शुरू होता है, एंड कभी भी कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं एक नया रिश्ता, एक नया मिशन, एक नया गोल। तो ये थी मेरी पॉजिटिव टॉक्स ऑन दीज ब्यूटीफुल सुखना ट्रैक्स। एंड ये लास्ट में आपको दिखाते हूँ एक सुंदर सा पक्षी, बगुला बोलते गाँव में, तो यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। तो भाई ये था आज सुखना लेक का सुंदर सा व्लॉग, तो कमलेश सर के साथ, कमलेश भाई के साथ यहाँ पे खत्म करते हैं आज का संडे हमारा काफी अच्छा रहा। कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दीजिए, बाकी तो मैंने कंक्लूडिंग रिमार्क्स कि पूरा दिन हमने अच्छे से यूटिलाइज कर दिया। आई थिंक एक बजने वाला है, तो हमने 9 बजे से स्टार्ट किया था, 9 से 10 के बीच हमने ब्रेकफास्ट किया, तो पूरा दिन संडे का सोने से अच्छा है कि हमने अपना फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव किया है, तो स्ट्रेस भी थोड़ा दूर होता है। तो नेक्स्ट वीक काफ़ी रिसर्च में पूरे दिन सैटरडे तक वर्क करो, काफ़ी स्ट्रेस रहता है, तो फिजिकल का फिजिकल हेल्थ को आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली और मेंटली आपको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अपना एक रूटीन लाइफ है, रिसर्च में रहता है कि पीएचडी फाइनल में हो या फर्स्ट ईयर में हो, आपका मॉर्निंग में 8 से 12 11 भी बज जाता है अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट। मैनेज करो, ये नहीं कह रहे हाँ कि मैनेज करना है, आई थिंक टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कि आप घर पे आके हम एक्चुअली बैठ रहे हैं, वीडियो चला रहे हैं, सर ताकि आप फिजिकली हेल्थ के लिए भी अपना जिम ज्वाइन कर लिया, कभी सुखना लेक आ गई, मॉर्निंग व्यू तो काफ़ी अच्छा रहता है, अभी तो काफ़ी भीड़ है, तो उतनी भीड़ में काफ़ी लोग टूरिस्ट आते हैं, बाहर से घूमने आते हैं, तो मॉर्निंग 8 से 9 का व्यू अपना रनिंग कर सकते हैं या के पूरा वॉक कर सकते हैं, 3 किलोमीटर का वॉक है, साइकिलिंग करके आप बड़ा बनने की होड़ में खुद को लूज नहीं करना है। आपको एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान आपने खो दिया तो क्या है। कई लोग मैं देखता हूँ ऐसे मुंह उतरे होते, उसमें से मैं भी एक हूँ, पहले था, अभी तो ठीक है, वापस आ रहा हूँ, तो फिर मतलब नहीं बनता। डिग्री ले ली एंड डिग्री के लास्ट तक आपको मैनेज करके चलना है अपनी लाइफ और वर्क को पूरा मैनेज करके चलना है। वर्क बैलेंस होना चाहिए अपना। रहो यार, एक चाय वाला भी उठता है तो क्या सपने लेके उठता होगा, करोड़ रुपए कमाने के। तो हम यहाँ पर बैठते हैं और सुखना लेक का पूरा एंजॉय करते हैं आज का। तो इन्हीं कुछ हम नेक्स्ट व्लॉग हम देखते हैं, साइकिल लेके हमने ये न्यू चंडीगढ़ से होते हुए वो बताएंगे हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में हम कहाँ का एक्सप्लोर करेंगे। तो हर संडे हम एक नया नया एरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं,
तो संडे ही मिलता है, सैटरडे तो सब बिजी रहते हैं, तो संडे पूरा मॉर्निंग में 8 बजे से निकलो, 12-1 बजे तक अपना कंप्लीट करो, फिर रेस्ट कर सकते हो रूम पे बैठ के, देखेंगे जाके मूवी वूवी देखेंगे आज का दिन। चलो so, मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट ब्लॉक में। देयर इज नो मोर क्वेश्चंस, सो लेट्स एंड दिस सेमिनार और जेसी व्हाटएवर इट इज। सो प्यार बनाए रखिए, देखते रहिए, व्लॉग शेयर करते रहिए, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आने वाले हैं। एंड आप भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है Ajay2967 और मेल कर सकते हैं, वो मेंशन कर दूंगा। तो स्टे हैप्पी विद योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस, लव यू ऑल, बाय बाय।